Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. Hopefully आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. और आज था ईद का डे 3 और मैं वापस जाने लगी थी घर, और जो है ना साथ में जो है ना एक दावत थी वो भी अटेंड कर रही थी. अच्छा ईद में जो है ना ये होता है कभी इसके घर दावत कभी उसके घर दावत, मतलब सारे जो है ना एक्स्ट्रा करते रहते हैं, मतलब खाने पर बुलाते हैं. तो अभी मैं आई हुई थी अपनी जो है ना कज़न के नानों के घर, मतलब चाची की अम्मी के घर. तो मैंने अम्मी के घर भी जाना, अम्मी के घर कह रही हूँ, अपने घर भी वापस जाना था. तो ड्रेस मैंने वही पहन लिया जो मैंने दूसरे दिन पहना था. तो मैंने कहा चलें यही पहन लेते हैं, क्योंकि और तो मेरे साथ दूसरा नहीं लाई थी, एक ही लाई थी और एक बस दो ही ले गई थी अपने और हान के, जो बहुत सारे ले गई थी. अच्छा यहाँ पे जो है सब बाहर बैठे थे और पंखे के आगे जो होता है स्टैंड वाला पंखा, तो सारे जो है ना उसके आगे बैठे थे, चारपाइयाँ वगैरह बिछा के बाहर जो है ना. गाँव में मतलब ऐसे ही होता है, सारे मतलब ऐसे ही बैठते हैं, सारे मिलजुल के जो है ना बैठ जाते हैं. और जो है ना कमरों में मतलब हबसी थी, गर्मी थी, बाहर जो है ठंड ठंड थी, मतलब इस तरह का कुछ जो है ना मौसम हुआ हुआ था. सर मेरी भाभी लोग भी आई हुई थी, रामीन भी थी और भी जो है ना और भी कज़न्स वगैरह थी मेरी, तो सारे मतलब आए हुए थे. तभी हम जो है ना यहाँ पे खाना खाने लगे थे. मैंने ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया खाना खाते हुए, क्योंकि सारे थे और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वीडियो जो है ना बनाते हुए. उसके बाद जो है ना हमने खाना वगैरह खाया और वापस आ गए, और जो है ना तकरीबन हो गया था टाइम 10:30 वगैरह का. तो यहाँ पे जो है ना साथ में लेके आई थी मैं ऐसे पकवान के लें या मीठी रोटी के लें रोहान के चलने की खुशी में. रोहान ने माशाल्लाह जो है ना सही से चलना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर जो ना ननिहाल वाले देते हैं, तो मतलब अम्मी वालों ने दिए साथ में. वैसे तो वो उन्होंने बना के देनी थी खुद, लेकिन फिर मैंने कहा चले बाज़ार की ले जाती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ईद भी था कुछ और जो ना. फिर मैं पता नहीं अब मैंने कहा कब मैं आऊँगी, तो अब शायद न्यू बेबी के साथ ही आऊँ, तो फिर हम मुझे ना जो है ना यही ऐसे मतलब दे दें. बस जो ना बहुत ज़्यादा बनती है और सबके घरों में जो ना बांटती जाती है, तो इस दफ़ा जो है ना बस ऐसे ही थोड़ा सा जो ना सिंपल सा कर दिया. तभी हमें जो है ना रोहान का पैंपर वगैरह चेंज करती हूँ, कभी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ और फ्रेश होती हूँ, और जो है ना रोहान का बिस्तर वगैरह लगाती हूँ. और जो है ना हस्बैंड आज भी नहीं आए, मतलब आज ईद का तीसरा दिन था, उन्होंने आना था लेकिन उन्होंने फिर वहीं पर जो ना कहीं स्टे कर लिया, क्योंकि काफ़ी दूर गए हुए थे तो इंसान थक जाता है, तो उन्होंने फिर जो है ना वहीं स्टे कर लिया. मुझे तो यही था वो आएंगे, तो बस वो नहीं आए. और जो है ना अभी मैं भी जो है ना चेंज वगैरह करती हूँ और जो है ना रोहान को सुलाती हूँ. अच्छा तो उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे मैंने ईदी जो है ना सारी काउंट करी थी कितनी हुई है मुझे और रोहान को, ज़्यादा मतलब रोहान को ही मिली है, मुझे तब कम ही मिलती है. पहले मतलब मुझे अभी जितनी है ना मतलब ईदी इससे ज़्यादा मेरी होती थी हमेशा, शादी से पहले की बात ही कर रही हूँ. तो अभी जो है ना रोहान साहब की है, मतलब अब रोहान को क्या पता ये सारे मतलब मेरे बैंक में ही जाएंगे, इनकी चीज़ें लेनी है. तो खैर मैं यहाँ पे काउंट करती हूँ, और साथ में जो है रोहान भी था, रोहान भी जो है ईदी काउंट करने में जो ना अपना हिस्सा डाल रहा था, तो कहता चलें जी आओ दोनों मिलके करते हैं. तो यहाँ जल्दी जल्दी से जो ना मैं पहले सारे ना 1000 वाले 500 वाले सारे 150 वाले जो है जितने भी इकट्ठे करने लगी थी वक्रे वक्रे मतलब अलहदा अलहदा कर लूँ, उसके बाद जो ना गिन लूँगी. अच्छा आप लोग बताइएगा आप सबकी जो ना कितनी ईदी हुई है, बॉयज़ की होती है ज़्यादा या गर्ल्स की होती है, आई डोंट नो, या बच्चों की होती है, अभी तो मुझे खैर नहीं याद. तो हमारी टोटल ईदी हुई थी तकरीबन, टोटल जितनी थी ना वो 15,000 से कुछ ज़्यादा थी, ठीक है. अभी जो है ना मेरे हाथ में वो है 13,000 और जो है ना 200 या 300 थे, ठीक है 300 थे, 13,000 और 300, क्योंकि बीच में कुछ मैंने लगा भी दिए थे, मतलब ऐसी मतलब मिठाई वगैरह लेके गई ऐसे कुछ, तो इस वजह से जो है ना कुछ जो है ना रोहान के मैंने एक दो पेम्पर मंगवा लिए थे, तो इस वजह से जो है ना क्योंकि मैं कम लेके गई थी फिर मैंने वहाँ से मंगवाए थे, तो इस वजह से जो है ना फिर जो है इस तरह से जो है ना मेरे कुछ जो है ना पैसे से कम हो गए हैं. मैं आपको ये दिखा रही थी इतनी हमारी ईदी हुई है, आप लोग भी बताइएगा कि आपकी जो है ना इतनी कह रही हूँ कितनी ईदी हुई है, तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है. मेरे ख्याल से बच्चों की ज़्यादा होती है या फिर जो है ना गर्ल्स वगैरह की जो मतलब अकेले के लिए होती हैं. अच्छा उसके बाद जो है ना ये ईद से काफ़ी दिन बाद मतलब बाद जो है ना मैंने व्लॉग नहीं किया, और ये काफ़ी दिन बाद जो है ना ईद के मैं व्लॉग शूट कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जा रहे थे इस्लामाबाद, उनको थोड़ा सा काम था, तो कहते हैं चलो तुम दोनों भी साथ चले जाओ, तो हम लोग भी आ गए, मैं और रोहान भी आ गए साथ में जो है ना. तो ये जो है ना गजरा वगैरह लेके दिया मुझे, जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, उन्होंने मुझे गजरे लेके दिया, और रोहान को जो है ना बस ये पसंद नहीं आ रहा था हाथ में, वो तोड़ी जा रहा था, ख़राब कर दिया, तो उसने फिर मैंने जो है ना आधे रास्ते से मतलब कुछ जो है ना मैंने उतार दिया, फिर कुछ जो है ना मैंने पहन ही रखा. जो रोहान ने ना काफ़ी तंग किया था जाते हुए, और जो है ना आते हुए भी, जाते आते रोहान ने जो है ना बड़ा ही तंग किया. अच्छा ईद के दिनों में अब लोग बताइएगा आप सब जो है ना कहाँ कहाँ घूमने गए. मैं तो इस दफ़ा जो है ना कहीं भी नहीं जा सकी, क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, अम्मी के घर ही गई, मतलब वहीं जो सारे दावते वगैरह आई बस वही. उसके बाद जो है ना हम पेट पूजा कर रहे थे मैं और रोहान, लेस वगैरह स्लैंडिस वगैरह जूस वगैरह खाने लगे थे. अच्छा अब ये पीछे मामा की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये जो ना मुझे आवाज़ दे रहा है. खैर अच्छा यहाँ पे जो ना बैठ के मैं जूसेस वगैरह देख रही थी कि कौन से फ्लेवर वाले हैं. अच्छा एक हस्बैंड को देना था और एक खुद देना था, तो रोहान जो है ना
यहाँ पे फुल मस्ती वाले मूड में था, सही शरारते कर रहा था यहाँ पे। देखें गीगा मॉल कौन कौन गया है, गीगा मॉल बताइएगा ज़रूर। मैं गई हुई हूँ एक दफ़ा, काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा गीगा मॉल जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी जो ना आजकल सेट नहीं है, सेट वेट बिल्कुल भी नहीं है। आपको मेरी शायद आवाज़ से भी जो है ना लग रहा होगा वॉइस से कि मैं थोड़ी सी जो है ना मेरा गले का मसला हुआ है। खांसी हल्की हल्की है, माइल्ड सी खांसी, और जो है ना बिलोंग वगैरह और दर्द होता है छाती, मतलब खांसी करते वक्त जो है ना दर्द होता है। और गला मतलब इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना ये, और आजकल जो है ना हॉस्पिटल्स के इतने ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं कि क्या बताऊँ। कभी क्या मसला हुआ है, कभी वॉमिटिंग का, कभी स्वेलिंग, कभी बीपी डाउन, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल मसला हुआ है। अच्छा तो जिस दिन का ये ब्लॉग है ना उसके उससे अगले दिन भी हम लोग गए थे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, 3 दिन लगातार जो है ना मतलब मैं हॉस्पिटल जाती रही हूँ और जो है ना चक्कर लग रहे हैं मेरे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो मुझे भी सेहत दे और आने वाले बेबी को भी और सबको, बाकी आप सबको भी और मेरे सारे घर वालों को, फैमिली को, सबको जो ना सेहत दे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपने सबने जो ना लाजमी दुआ करना है, स्पेशली मेरे लिए भी और मेरे आने वाले बेबी के लिए और मेरे रूहान के लिए भी, सबके लिए दुआ करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो ना हम लोग वहाँ से जो काम था हस्बैंड ने वो किया, उसके बाद हम लोग आगे वापस यहाँ पे मलंग जान करनोल के पास एक, तो वहाँ पर हमने खाना खाना था। तो रूहान सोया हुआ था, हम उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते थे, लेके भी नहीं जा सकते थे। फिर गाड़ी में बैठ के खाया थोड़ा बहुत और फिर रूहान उठ गया। तो उसके बाद जो है ना फिर रूहान ने तो खाया नहीं, थोड़ा सा उसको दिया, उसको शायद अच्छा नहीं लगा पिलाओ, तो उसकी वजह से जो है ना फिर रूहान का दूध भी ख़त्म था। मुझे बस यही टेंशन थी कि बस इसका दूध कहीं से मिल जाए किस तरीके से, और जो है ना मैं लाई भी सिर्फ एक फीडर थी, मैंने कहा जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन हमारी थोड़ी देर लग गई। तो फिर हमने क्या किया, ढाबे वगैरह भी मतलब नहीं ट्रस्ट आ रहा था किसी पर, फिर इसको पानी वगैरह थोड़ा सा डाल के दिया, इसने थोड़ा सा वो पिया है। अच्छा यहाँ पे जो है इतना ज़्यादा तूफान आ गया, तेज़, इतना ज़्यादा तेज़ कि सही जो है ना बादल भी गरज रहे थे। आप देख सकते हैं लाइटिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, बिजली जो है ना चमक रही है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा लग रहा है तेज़ बारिश होगी। तो अभी जो है ना यहाँ पे रूहान का फीडर आप देख लें, बिल्कुल थोड़ा सा ना दूध रह गया था। और जो है ना टाइम भी मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक 11:30 का टाइम था, और जो है ना मुझे टेंशन लगी थी कि रूहान के दूध का क्या होगा, क्योंकि अभी हमारे जो है ना एक तो हो ही जाना है जाते जाते, और जो है ना रूहान के दूध का जो ना मसला हुआ था, फिर जो है ना बच्चे हैं, बच्चे तो अब सबर नहीं कर सकते। और रूहान जो है ना जूस वगैरह भी नहीं पीता ना, बंदा जूस डाल के दे दे फीडर में, जूस वगैरह भी नहीं लेता अभी इसको, इस सारी चीज़ें जो ना अभी खास पसंद नहीं है, जूसेस वगैरह सलांटी वगैरह खा लेते लेकिन जूसेस वगैरह नहीं पसंद इसको। अच्छा उसके बाद जो है ना हम लोग आगे केएफसी पे भी जो है ना हमने जो ना पार्सल लिया और जो है ना हमने घर जाके खाया था, वहाँ पे नहीं खाया। यहाँ पे देखिए आप बारिश हल्की हल्की यहाँ पे लगी थी, उसके बाद जो ना सही तेज़ हो गई। और मम्मा लोग बता रहे थे ना कि हमारे आने से पहले जो ना ओले वगैरह पड़े थे घर पे, मतलब यहाँ इस साइड पे, तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी तेज़ बारिश थी, लोग सही इन्जॉय कर रहे थे बारिश को, पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे यहाँ पे साथ में अपने फैमिलीज के साथ। मेरा दिल नहीं था क्योंकि एक तो रूहान का फीडर जो ना बिल्कुल खाली हुआ था, और दूसरा जो है ना कुछ तबीयत भी ऐसी थी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। हम लोग भी जो ना ये लाजमी इन्जॉय करते क्योंकि सारे इन्जॉय कर रहे थे। तो खैर कैसा लगा आपको ये व्लॉग अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जो है ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे जो है ना सही तेज़ आवाज़ चल रही थी फुल तेज़, और जो है ना बारिश भी सही तेज़ हो गई थी। तो उसके बाद जो है ना हम लोगों ने अपना पार्सल लिया और जो है ना हम भागे अपने जो है ना घर की तरफ। जी तो चले इस व्लॉग को हम करते हैं ये पे एंड। कैसा लगा आपको ये व्लॉग अपने कमेंट सेक्शन में जो है लाजमी बताना है, चैनल पे न्यू आए तो लाजमी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है ना बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो कीजिएगा। इस व्लॉग को हम करते हैं ये पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे स्वस्थ ही तो हम याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।